Times Vikenza Club and Resort presents, powered by Loveji Bacha, in association with Choithani's Clinic, supported by Gold's Gym Gurdod Road, Footpack India, Coffee Culture. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे कमाने की इस दौड़ से आगे निकल के कुछ और सोचा और इन्होंने बनाई अपनी एक पहचान। किसी भी कामयाब इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है उसका खुद पे भरोसा। फर्स्ट इम्प्रेशन जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है लास्टिंग इम्प्रेशन। मैं पूजा व्यास। मैं पीयूष व्यास। वेलकम ऑन माई शो पहचान। लाइफ इज अबाउट मेकिंग डिसीजंस एंड मूविंग ऑन। एक बहुत ही मशहूर ऑफिसर, एक जर्नलिस्ट उनको एक सवाल पूछते हैं कि सर व्हाट इज द रीजन ऑफ योर सक्सेस। द ऑफिसर सेज टू वर्ड्स, दो शब्द। बोले सर वो दो शब्द क्या है? द ऑफिसर सेज राइट डिसीजंस, सही फैसले। The journalist asked, sir, one more question. Sir, what is the secret of these right decisions? Officer says, one word. Sir, what is that one word? The one word is experience. Officer says, sir, last question. What is the secret of your experience? The officer says, wrong decisions. तो बात यहां पे आती है डिसीजन लेने की। सबसे पहले इंसान डिसीजन लेना सीखे, रॉन्ग डिसीजन भी लेना सीखे, जिससे वो अनुभव को हासिल करेगा और अनुभव हासिल करते करते धीरे धीरे सीखेगा राइट डिसीजन लेना। डिसीजन आर द टफेस्ट थिंग्स अनलेस यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट यू वांट। मैं पीयूष व्यास आपका स्वागत कर रहा हूं एक ऐसे शो पे जहां हम बहुत सारी ऐसी ह्यूमन क्वालिटीज की बात करेंगे जो आपकी पहचान बनाने में मदद करेगा। Welcome Chandubhai on the show of पहचान। Thank you very much। How are you? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चंदूभाई आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में जिसकी वजह से इंसान अपनी पहचान बना पाता है। ठीक है। और आज आप हमें कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे इंसान की पहचान बनाने में, कामयाबी बनाने में बहुत ज्यादा मदद रूप हो। चंदूभाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अभी जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आप एंटर कैसे हुए? उसका भी एक रसप्रद किस्सा है। मेरी शुरुआत जैसे हुई थी 82-83 से हुई थी। सूरत में एक प्रोविजन स्टोर से रूप में शुरुआत हुई थी। क्या बात। बिजनेस की। ओके। तो मैंने एक दो साल प्रोविजन का बिजनेस चलाया। ओके। तो इसमें मेरे को ऐसा लगा, मैं ऑलवेज थिंकिंग करता रहता था
कि मेरे को तो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस करना हो right. तो इसमें सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है True. तो मैंने सोचा कि भाई ये इसमें एक लिमिटेशन आ जाएगा तो मैं कोई दूसरे कदम उठाऊं राइट right. तो सूरत की इकोनॉमी दो पहिए से चल रही है uh-huh. एक तो डायमंड इंडस्ट्रीज है और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है बिल्कुल ठीक तो डायमंड इंडस्ट्री में से तो मेरे को इतना कोई ज्ञान नहीं था लेकिन टेक्सटाइल में थोड़ा मेरे को अनुभव था ओके okay. तो मैंने टेक्सचराइजिंग मशीन डालने का सोचा ओके okay. तो मैंने एक छोटा सा प्लॉट लिया इंडस्ट्रियल एरिया में uh-huh. फिर कंस्ट्रक्शन किया धीरे धीरे करके एक शेड बनाया ओके okay. तब लोन मिलना बहुत मुश्किल बात थी अच्छा. तो मेरे लोन की प्रोसेस चल रही थी वो समय में मेरे पास कोई एक मेरे दोस्त आए उनकी लोन कंप्लीट हो गई थी मशीन इरेक्शन का टाइम हो गया था okay. और उनको जल्दी थी उनका शेड रेडी नहीं था अच्छा तो वो मेरे पास आए बोले चंदू भाई आप मेरे को अपना शेड दे दो आपके पास टाइम है तो आप दूसरा बना लेने का बराबर तो मैंने तो पहली दफा तो नहीं बोल दिया फिर मैंने सोचा कि यदि मैं ये उनको दे दूं उसमें से ही मैं थोड़ी कमाई कर लूं राइट तो मेरा मकसद तो एक ही था कि मेरे को कमाई करना राइट तो फिर मैंने दूसरे दिन उसको बुलाया वो बोले मेरा का तो 1,00,000 रुपये के करीबन का कोई शेड तैयार हुआ था तो मैंने सोचा कि भाई 2,00,000 आ जाते तो मैं दे देता हूँ डबल हाँ जी ओके तो उसको भी जल्दबाजी से उसको बैंक का इंटरेस्ट लग रहा था तो उसने मेरा शेड ले लिया 2,00,000 तो वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ अच्छा तो मैंने फिर ये सोचा कि भाई मैं कब मशीन डालू कब इरेक्शन करूँ कब प्रोडक्शन में आऊँ कब मार्केटिंग करूँ कब पैसा कमाऊँ ओके इसमें तो तुरंत मिल रहा है तो फिर मैंने ये लाइन छोड़ के तुरंत ये लाइन अपना ली मतलब आप शुरू करने कुछ गए हाँ और शुरू कुछ और हो गया हाँ जी ऐसा हो गया तो इसके अंदर किस्मत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि फिर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट था नहीं किस्मत को तो मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा अच्छा मैं अक्सर सोचा करता था ओके कि भाई मेरे को कोई बड़ा काम करना है बड़ा आदमी बनना है तो अपॉर्चुनिटी किसमें है ट्रू तो पहले से ही मेरे को तो ऐसा था कि भाई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तो आप वर्ल्ड वाइज देखे तो बिल्डर की लाइन सबसे आगे निकल रही है राइट तो मेरे को थोड़ा इसमें भी इसका पड़ा हुआ तो था ही तो मेरे को एकदम लाइट हो गया कि भाई यहाँ से अभी इतना मिल रहा है एक 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 शेड में खाली इतना मिल रहा है तो मैं 10 करूँ फिर 20 करूँ फिर 50 करूँ तो इसमें मेरे को टेक्सटाइल से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगी तो मैं इसमें फिर डाइवर्ट हो गया मतलब यहाँ बात ऐसी आती है कि आपका एक थर्ड आई थी जिससे आपने एक अपॉर्चुनिटी को देखा और वो अपॉर्चुनिटी में आपने भरोसा रखा और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आपने सीधा वो शेड को बेचा और माइंड पूरा चेंज कर दिया मतलब परिस्थिति के अनुसार आप चेंज हो गए आज हो गए बिल्कुल तो परिस्थिति के अनुसार जो चेंज होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है वैसा आप कहना चाहते हो मेरा ये बोलना है कि तक जिसको बोलते हैं चांस अपॉर्चुनिटी वो हर एक आदमी के सामने से गुजरती है ट्रू लेकिन वो पहचानने की शक्ति हमें होनी चाहिए पता चलना चाहिए अपॉर्चुनिटी हाँ जी तो वो कभी भेदभाव नहीं रखती है तो हमने वो पहचान लिया और हमने वो एडॉप्ट कर लिया क्या बात है आपने बात कही सिस्टम की तो आपके जो कस्टमर्स है उसमें भी कोई सिस्टम आपने बनाई है कि उसमें फिर एटीट्यूड मैटर करता है कस्टमर के बारे में हमारा सोच अलग है अच्छा कस्टमर से हम ऑलवेज पारिवारिक भाषा में बात करते हैं फैमिलियर ओके क्योंकि उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कोई एक परिवार में ही बात कर रहा हूँ बिल्डर से बात नहीं कर रहा हूँ जनरल बिल्डरों की छवि ऐसी है कि उसे लोग डरते हैं अच्छा। उसके सामने फेस नहीं होना चाहते हैं तो हम पारिवारिक भाषा में इसलिए बात करते हैं कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं एक तो उसको मतलब डायरेक्ट आप कस्टमर से हाँ हम डायरेक्ट कस्टमर से डायरेक्ट बात करते हैं तो उसको एक तो जो दूरी है वो नजदीकी आ जाएगी राइट दूसरा नंबर में हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो लॉन्ग टर्म यूज की प्रोडक्ट है लाइफ में आदमी घर एक बार लेता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो 1 रुपया खर्च करेगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको 2 रुपया का तुष्टिगुण देवे राइट तो इस हिसाब से हम कस्टमर केयर सेंटर चलाते हैं आफ्टर सेल सर्विस देते हैं अच्छा तो उसको अपनापन लगता है जिससे क्या करता है को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है हमको बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है हम ऐसा सोचते हैं कि भी बैनर लगाते हैं 1,00,000 रुपया खर्च करता है तो इसकी वजह से हम कस्टमर को ये बेनिफिट दे देवे बराबर तो इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उतना डिस्काउंट दे देना अच्छा बैनर लगाने हाँ जी हम सर्विस देते हैं बेनिफिट देते हैं मानो कि वो रहने के लिए आ गया ओके एक साल तक उसको कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेन रजिस्टर में कंप्लेन लिखाएगा मेरा आदमी वो कंप्लेन सॉल्व करके जाएगा क्या बात है जी मतलब वहां आपका मानना ऐसा है कि कस्टमर के साथ दूरी नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए
एटीट्यूड मैटर करता है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको ये लेवल पे आके ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं इतना लेवल ये लेवल पे हूँ, मैं क्यों कस्टमर से बात करूँ, वो फीलिंग नहीं आती है आपको? नहीं, एक्चुअल में हमारे को ये लाइन में समझो कि 30 साल हो गया और भी हमारी पीढ़ी भी यही लाइन में आने वाली है, राइट। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा एक रघुवीर का परिवार ही इतना बड़ा हो जाएगा, अच्छा, तो कोई भी स्कीम मानो के लॉन्च करेंगे हम, तो उसी में से ही हमको कस्टमर मिल जाएगा और वही हमारी पब्लिसिटी करेंगे। इस हिसाब से हम डायरेक्ट ये टचिंग में रहते हैं। मतलब आपने कस्टमर को भी रघुवीर परिवार में एक अंग बना दिया, तो आपका मतलब उसके लिए आपका गुणधर्म है फैमिलियरिटी। हाँ जी, फैमिलियरिटी को आप मानते हो। हाँ जी। और कस्टमर को आप फैमिली में ही शामिल है, इस तरह से ही बात करते हो। हाँ जी। तो कोई भी कस्टमर आपको डायरेक्ट फोन करता है तो आप उसको आराम से उसके साथ बात करते हो? बिल्कुल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपके पीए ने फोन उठाया बोले चंदू भाई बिजी है, ऐसा नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्ट सेल में सुबह में मेरा टाइम फिक्स है, 9:30 से 1:30 बजे तक मिलता हूँ। अच्छा। और 3 से 7 बजे तक मिलता हूँ। ओके। कोई भी मेरे से बात कर सकता। एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि फिलहाल रिसेशन का टाइम है, मंदी। हाँ जी। आपका एम्पायर है, प्रोजेक्ट्स है, कस्टमर्स भी है, पर मंदी भी है, पैसे रोटेट नहीं हो रहे। बराबर। आप सम्मत हो इस बात से, राइट? बराबर, ठीक है। तो मंदी के लिए आपका क्या मैसेज, आप कैसे कोप अप करते हो, हाउ डू यू मैनेज दैट? एक्चुअल में हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बनता है। अच्छा। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट का कभी बैलेंस मैंने नहीं देखा है। अच्छा। तो बिजनेस में भी तेजी और मंदी दोनों आती है। ओके। और मंदी भी आनी चाहिए। तो इससे से क्या होता है कि मंदी को, जैसे हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं। अच्छा। तो स्टूडेंट को जब एग्जाम आती है तो एकदम सतेज हो जाता है, एकदम मेहनत करने लगता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगता है। तो हम मंदी में क्या करते हैं कि मंदी के सामने देख के हम रोते नहीं है। अच्छा। मंदी को उत्सव में पलटवार करने कर देने की चेष्टा हम करते हैं। क्या बात। जैसे मंदी को आपने कहा कि आप एग्जाम के हिसाब से उसको देखते हैं, तो उसमें आप उसको लर्निंग पीरियड के हिसाब से लेते हैं कि भाई मंदी एक सीखने वाला पीरियड है, उसमें हम सतेज हो जाते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, कंपिटिटर मंदी में बढ़ जाते हैं तो उसमें और अच्छी चीज आप देने की कोशिश करते हो? हाँ जी। आपको कंपनी का डेवलपमेंट यदि करना है तो मंदी को फेस करना ही पड़ेगा। इसमें क्या क्वालिटी सुधरती है, जनरली हम क्या करते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो जाते हैं, मंदी आती है तो हम एकदम चौकन्ने हो जाते हैं कि भाई इसमें कॉम्पिटिटर भी है, हम मानो के इस टाइप का वर्कमैनशिप नहीं देंगे। मतलब मंदी में भी आपका नजरिया पॉजिटिव रखते हैं? हाँ जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदी से डर जाते हैं और उनका नजरिया जो है वो बैकअप होने का हो जाता है और बार बार मार्केट में वो लोग बात करते रहते हैं बहु मंदी छे, बहुत मंदी है, तो वैसा आप नहीं समझ रहे हो वो चीज को ना? आप अलग तरीके से ले रहे हो ना? बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि मंदी को हम एक बार मानो के हावी हो जाने देंगे तो हमारा कोई भी निर्णय होगा वो गलत आ जाएगा। True। तो इससे क्या रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, मतलब नेगेटिव डिसीजन ले लोगे आप? हाँ, नेगेटिव डिसीजन ले लेंगे तो उसके परिणाम भी नेगेटिव आएगा। हाँ। तो इसको हम क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग में सोचते हैं तो हाँ। रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, राइट। मतलब मंदी में भी डिसीजन का इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत है, ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। और उसमें अगर राइट डिसीजन लिया तो आप उसमें से बहुत क्लियर निकल जाएंगे। तो इतनी सारी बातें आपने जो बताई, आपका पर्सनल एटीट्यूड, हार्ड वर्क, राइट डिसीजन, कन्विंसिंग, कस्टमर से डायरेक्ट बात करना, ये सभी चीजें जो है उसके अलावा या उसके पीछे छुपी हुई ऐसी कौन सी कोर क्वालिटीज आप में मौजूद है? इसके लिए मैं बताऊं तो एक तो मेरे में क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। ओके। मैं 2 वर्ष लव्स में बताऊं पीयूष जी, तो मैं कश्मीर में फ्रिज बेच सकता हूँ। क्या बात है। हाँ जी। एक्चुअल में मैं क्या है कि ग्राहक को कभी प्रलोभन नहीं देता हूँ, पर विजन जरूर देता हूँ। अच्छा। तो आपका मतलब आप विजन दिखाते हो, वो भी आपकी एक कोर क्वालिटी। हाँ जी। आप इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं तो जो नए उभरते हुए बिजनेसमैन है, युवा पीढ़ी है, जो ऑलरेडी छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बताइए कि वो भी ये चीज सीख पाए, ऐसी कोई टिप्स या ऐसी कोई बात आप कहना चाहेंगे?
इसके लिए एक तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी युवा पीढ़ी जो है वो रातों रात माला माल होने की ख्वाब देख रहे हैं, वो गलत है। मिडनाइट वन नाइट में उनको पैसा कमाना, हाँ पैसा कमाना वो गलत है। ओके यदि वो एक गोल फिक्स करे, टीम वर्क बनाए, ओके और ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से, तो सफलता उसके कदमों में ही होगी। मतलब फंडा वही है, समय चेंज हुआ फिर भी फॉर्मूला सेम ही है, जो आपने इस्तेमाल की 30 साल पहले वही फॉर्मूला आज भी चल सकता है। गोल है, विजन है, हार्ड वर्क है और खास करके ईमानदारी। लोगों को जल्दी पैसा चाहिए तो बेईमानी करके पैसा, वो एक बार आप हमको कोई भी कस्टमर को हम एक बार ठग सकते हैं, लेकिन लंबा काम करना है तो ये हमको ही ठग साबित होगा, वो फिर आपको ही नुकसान होता है बाद में। तो आपका कहना ऐसा है कि इन चीजों से भी आज भी इंसान बड़ा बन सकता है, क्योंकि ये वैल्यूज जो आपने बताई वो वैल्यूज कभी पुरानी नहीं होने, कभी पुरानी होता है। प्रोफेशनल और बिजनेस लेवल पे चंदू भाई आपने काफी काम किए हैं और करते रहेंगे। सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में आपका कुछ कहना है? इसके बारे में एक्चुअल में क्या, कोई भी आदमी जब एक लेवल से बड़े बिजनेस में चला जाता है तो अपेक्षाएं बहुत बढ़ती है, राइट? जैसे हमारे कोई सगा चमती आते हैं, उसकी भी अपेक्षा रहती है, समाज की अपेक्षा रहती है, तो इसके लिए भी हम पुरानी बातें याद करते हैं, तो हम गुरुकुल के विद्यार्थी है, तो हम 500 रुपये में साल का खर्च में हम पढ़ाई किए हुए है, तो आज की तारीख में शिक्षण महंगा, मतलब कि बहुत महंगा हो गया है, तो कोई भी हमारे यहाँ आता है तो हम उसके लिए वास्तव में उसकी फीस नहीं पा, वो पर भर पाता है, तो हम वो लेवल पे उसको मदद करते हैं, हम गुरुकुल के विद्यार्थी भी एडॉप्ट करते हैं, उनका चार्ज भी हम भुगतते हैं। अभी मानो कि ये किरण हॉस्पिटल बन रही है सूरत में, तो उसमें भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी का हमने सहयोग किया है, राइट? तो ऐसे काफी हम करते हैं समाज के लिए। अगर बदलाव की बात आती है, चाहे वो सोसाइटी है या कोई और समाज की बात है, और आपको मौका मिलता है कुछ बदलने का, तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? इसके बारे में सोचा जाए पीयूष भाई, तो अभी आप देखो ना, तो इंडिया में शहरीकरण बहुत हो रहा है। अच्छा, अर्बनाइजेशन। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो हम शहर में जो फैसिलिटी दे रहे हैं, इसकी बजाय हम गांव में भी ये फैसिलिटी देना शुरू करें। अच्छा, तो इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री, राइट? हमारे यहाँ सोने की चिड़िया भी पैदा हो सकती है, तो गांव वाले को यदि मानो कि इरिगेशन की फैसिलिटी दे दिया, रोड रास्ते की फैसिलिटी दे दिया, तो गांव का भी जो न्यू जनरेशन है वो शहर की जरा जो सोचने का वो माइंड है उसका है, वो वहाँ पे ही सेटल हो सकता है और वहाँ पे भी जबरदस्त डेवलपमेंट वो कर सकता है। तो हमको मतलब कि शहर की वजह से गांव को भी प्राधान्य देना चाहिए। मतलब रूरल एरियाज जो है, विलेज एरियाज, उनका डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है। अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड ये कंट्री है तो उनको डेवलपमेंट में भी वही हमें सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि वहां से क्या है कि डायरेक्ट जीडीपी बढ़ेगा। तो चंदू भाई, आपसे मुलाकात बहुत बढ़िया रही, सामाजिक बात हुई, प्रोफेशनल बात हुई, खुद को डेवलप होने की जो आपने कुछ बातें कही वो लोगों को बहुत काम आएगी ऐसी आशा रखता हूँ मैं। पहचान के शो के ऊपर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच पीयूष भाई, आप भी मोटिवेशन का इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम कर रहे हैं, न्यू जनरेशन को आप डेवलपमेंट करने का एक चांस दे रहे हैं, इसके लिए आपका भी खूब खूब शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डियर फ्रेंड्स, पहचान के आज के इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, मगर एक बात खास थी, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। ये एक सफर है जो हमें मुकाम तक ले जाता है और इस सफर में अपने साथ चलता है अच्छा वक्त और बुरा वक्त, अप्स एंड डाउन्स, बिजनेस, रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ, ये हर जगह आपको फेस करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अच्छा वक्त लेट आता है, मगर अगर आप ध्यान से देखो तो अच्छे वक्त से पहले थोड़ा या ज्यादा बुरा वक्त जरूर आता है। हमें खुद को प्रिपेयर रखना है इस फीलिंग के साथ कि अच्छा वक्त तो ऑन द वे है
और जो चीज ऑन द वे है कंफर्म है उससे डरना क्या. सो डटना है, डरना नहीं है, क्योंकि आप डट गए तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है. डियर फ्रेंड्स, पहचान के एपिसोड्स को आपका जो प्यार, कमेंट्स, लाइक से आपने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. डोंट स्टॉप, ये करते रहिए. लाइक्स, कमेंट्स, रिव्यू, हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लगा और आप हमसे क्या चाहते हैं. किसी भी तरह से अगर आप पहचान से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं pujapiyushtalk@gmail.com पे. डू राइट अस, वी आर वेटिंग. मैं पूजा व्यास साइनिंग ऑफ. बाय. पहचान, द टॉक शो विद पूजा पीयूष. अगर आपको भी बनानी है अपनी एक पहचान तो कॉल अस एट 93777 93851 और राइट अस एट pujapiyushtalk@gmail.com.